It's possible to attain that transformation without Guru's grace, or does one require one's own effort? This question was asked to Ramakrishna Paramahansa once. Ramakrishna Paramahansa kisne ye prashn kiya? Kya guru bina prapti nahi ho sakti? Is it not possible to get what you want without a guru? तो गंगा जी में उधर एक बड़ा स्टीमर जा रहा था. There was a steamer in the Ganges there, और उसके साथ एक छोटी नाव बंधी हुई थी. And the boat was tied to it. तो रामकृष्ण ने बोला, रामकृष्ण said, look at that little boat. उस नाव की ओर देखो, अपने आप भी ये जा सकती है नदी के उस पार. It can go across on its own too. But with the steamer, its speed is increased. It's becoming more effortless. Steamer is just dragging it. क्योंकि स्टीमर के साथ बंध गई है तो भाग रही है. Your own effort makes a big difference. आपका अपना प्रयास भी चाहिए. बिकॉज इफ गुरु इज 1000 वोल्ट्स एंड यू आर प्रिपेयर टू हैंडल 1000 वोल्ट्स, यू विल ब्लास्ट. अगर गुरु में 1000 वोल्ट की शक्ति है और आप 10 वोल्ट के बल्ब हो तो फट जाओगे. सो प्रेपरेशन इज द की. प्रेपरेशन यू हैव टू डू योर सेल्फ. जो तैयारी है वो खुद ही करनी होती है. हाँ, उसमें you can have the guidance, उसमें guidance होती है गुरु की, but you have to do the put in the effort yourself. Yes, guru can tell you, oh, this is a shorter path, you can choose this path, ये छोटा रास्ता है इसको चुन लो, उससे भी तुम वहीं पहुंचोगे. There is a story I've narrated at least 3 times already, but I will tell you again very briefly. कथा हमने कम से कम 3 बार पहले सुनाई है और सत्य कथा है. एक बालक था 7 साल का. देयर वाज अ चाइल्ड 7 years old. उसके गुरु ने, वो एक संत हैं, उनको ले जाते हैं उस बालक को. गुरु टेक्स हिम अलोंग एंड सेज आई विल ट्रेन यू. एंड द चाइल्ड सेज विल आई गेट समाधि. बालक बोलता है, क्या मुझे समाधि की अनुभूति होगी? गुरु ने बोला, अवश्य होगी. कितने साल लगेंगे? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ही सेड टू द गुरु, टू एक्सपीरियंस दैट ट्रांसेंडेंटल स्टेट. And the guru said, it will take you 12 years. 12 वर्ष में तुमको वो अनुभूति हो जाएगी. He said, fine, बहुत अच्छे, चलिए. और वो गुरु की जो सेवा है, करता रहता, धीरे धीरे करके वो 24 वर्ष का हो जाता है, वर्ष का. He keeps serving his guru and one day he is 24 years old without any experience of samadhi. No experience of any samadhi, even in 17 years of his serving his guru. 17 वर्ष बीतने के बाद भी उसको कोई समाधि की अनुभूति नहीं होती. तो अगर गुरु उसके बैठे काम कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ. His guru was busy meditating one time and he says, his guru, I'm leaving. He says, where are you going? कहाँ जा रहे हो? गुरु ने पूछा. बोलता, मरने जा रहा हूँ गंगा जी में. गुरु ने सोचा कि इतना गुस्सा है. He said, I'm going to drown myself in the Ganges. गुरु ने बोला, तो एक काम करना. Do one thing. Tie yourself with a rock. एक पत्थर को बांध लेना, फिर छलांग लगाना. First you tie yourself with a rock and then you jump in the river so that you don't change your mind afterwards. ताकि बाद में तुम्हारा मन ना बदल जाए, बोलो मैं ऊपर आ गया. अब तुम चले जाओ, अगर तुम्हारे मन ही बना लिया तो जाओ. If you made up your mind, then fine, go. He said, fine, I'm leaving. And he gets to the door. वो बोलता है, मैं जाता हूँ. दरवाजे तक पहुँचता है तो गुरु बोलते हैं, अच्छा बात सुनी दरा, क्यों इतना व्याकुल हो रहा है? The guru says, why are you so upset? So mad? What's wrong? क्या हो गया? बोलता, आपने बोला था 12 वर्ष में समाधि मिलेगी. You had told me in 12 years I'll get samadhi. And it's been 17 years I haven't got it yet. 17 वर्ष हो गए हैं मैं लगा हूँ वैसे का वैसे, मुझे कोई समाधि की अनुभूति नहीं हुई. ये कहाँ का सच है? तो इसलिए मैं छोड़ता हूँ फिर जी के, क्या करना. लेट मी गो जंप.
आई डोंट वांट टू लिव, लेट मी गो जंप इन द रिवर. गुरु ने बोला अच्छा तुम बैठो, ओके टेक अ सीट. एंड ही सेड चैंट आफ्टर मी, जो मैं मंत्र बोल रहा हूं मेरे पीछे बोलो. उसके बाद गुरु ने उसको हल्का सा स्पर्श किया, स्पर्श किया तो उसको एक करंट की अनुभूति हुई. ही फेल्ट दिस करंट एंड ही फेल्ट दिस एक्सट्रीम पीस इन हिज हेड. उसको एक सीम शांति की अनुभूति हुई एंड फॉर अ फ्यू मिनट्स ही वॉज टोटली क्वाइट. कुछ क्षणों के लिए वो समाधि में चला गया. समाधि में ऐसा नहीं कि आप कहीं खो जाते हो, समाधि में इतनी शांति आ जाती है जैसे पेट भर जाता है ना एकदम अच्छा भोजन करके, मनुष्य शांत हो जाता है कुछ समय के लिए, ऐसे ही मन शांत हो जाता है. सो ही गेट्स दिस एक्सट्रीम सेंस ऑफ फुलफिलमेंट डॉन्स ऑन हिम एंड अ फ्यू मिनट्स लेटर ही सेज टू हिज गुरु. अब कुछ मिनटों के बाद अपने गुरु से बोलता है, अब तो बहुत बड़ी दुविधा है, नाउ आई हैव अ बिग क्वेश्चन. गुरु ने बोला अब क्या क्वेश्चन अभी तुम्हारा, अब कौन सा प्रश्न, तुम्हें दे तो दिया है अनुभूति. ही सेड नो आई हैव अ वैलिड क्वेश्चन, मेरा एक प्रश्न है कि ये आपके स्पर्श से हुआ या मेरी साधना से. वॉज इट 17 ईयर्स ऑफ माई एफर्ट और अ मोमेंट ऑफ योर टच, आई नीड टू नो. बोलता मुझे पता होना चाहिए इस बात का, बिकॉज आई एम रियली फ्यूरियस, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हूं इस समय. अगर ये मेरी साधना से हो तो आपने मुझे स्पर्श क्यों किया. इफ इट वॉज बिकॉज ऑफ माई साधना देन वाई डिड यू टच मी, एंड इफ इट वॉज बिकॉज ऑफ योर टच, अगर ये आपके स्पर्श के कारण था, वाई डिड यू हैव मी वेट 17 ईयर्स. 17 वर्ष मेरी इतनी रगड़ाई की, वाई डिड यू नॉट गिव मी दिस एक्सपीरियंस 17 ईयर्स अर्लियर, अब क्यों. तो गुरु ने बोला इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई वाजंट गिविंग यू दिस एक्सपीरियंस, बिकॉज द ट्रुथ इज, क्योंकि सत्य यह है कि तुम अभी भी पूर्णतः मूर्ख हो, बंदर के हाथ उस तरह लगा है और कुछ नहीं. यू आर स्टिल अ फूल, अ मंकी इज गॉट अ डायमंड बट डजंट नो द वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई आई वाजंट गिविंग यू दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज सिली बॉय, इट वॉज नीदर माई टच नॉर योर साधना. ये ना मेरे स्पर्श से हुआ, ना ही तुम्हारी साधना से हुआ. इतनी तुमने कितनी साधना कर ली 17 वर्ष में, ना ही मेरे स्पर्श से हुआ, ना ही तुम्हारी साधना से. इट वॉज नीदर योर ओन एफर्ट नॉर माई टच, इट वॉज डिवाइन ग्रेस, ये भगवत कृपा से हुआ. परंतु आप कहो कि जनवरी के महीने में आपको आम ला के दे दूं तो बात बनेगी नहीं ना, दुशहरी खाना तो जून में ही मिलेगा. You want a mango in the peak of winter, you have to wait. If you want the sweetest mango, wait till the summer comes. So effort, prayas bhi chahiye, kripa bhi chahiye, guru bhi chahiye. When these three things fall in place, that's when something materializes. So all things are necessary. We can't say guru will do everything. Kartavyam itim atmam kevalam tuya. भगवान बोलते हैं, कृष्णा सेज इफ यू थिंक गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, पश्यत कृतना बुद्धित्वा नासा पश्यति दुर्मति, देन यू आर अ फूल, यू आर इग्नोरेंट. बिकॉज इफ गॉड कुड डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग फॉर यू, व्हाई वुड यू वुडंट हैव टू बी सिटिंग हियर. आपको यहां बैठना ही ना पड़ता, आपको खेती खुद करनी ना पड़ती, खुद गाड़ी चलानी ही ना पड़ती, कुछ भी ना करना पड़ता, बस सोते प्रभु ये चाहिए वो हो जाता. यू वुड जस्ट थिंक एंड इट हैपन, बट द फैक्ट इज यू हैव टू डू सम एक्शंस, आपको कर्म करना पड़ता है. तो भगवान भी उन्हीं के साथ चलते हैं ना जो स्वयं के साथ चलने को तैयार हैं. हाँ, इतना है कि थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है. जब पैडल मारते मारते थक जाते हो, व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ पैडलिंग, देन गुरु विल से ओके वेल यू नो कम सिट इन माय व्हीकल, बट यू नीड दैट स्ट्रेंथ. वो कहीं ना कहीं तो वो अपने उसको अपने प्रयास को लेकर चलना होगा ना आगे. और हर एक का भाव अलग होता है, एवरीबडी सेंटिमेंट, एवरीबडीज गोल इज डिफरेंट. आनंद सर्व बुद्धा फॉर 52 ईयर्स 50 ईयर्स, 50 वर्ष आनंद ने बुद्ध की सेवा की. एंड ही सेड टू बुद्ध, बुद्ध को उन्होंने बोला कि तथागत, सबको इतना ज्ञान देते हैं, सबको जो जो चाहिए दे देते हैं, सबको सब कुछ बता देते हैं,
यू गिव विजडम टू सो मेनी पीपल, यू टेल पीपल सो मेनी थिंग्स, यू गिव देम समाधि, समाधि की अनुभूति दे देते हैं. 50 years आई हैव बीन सर्विंग यू, 50 वर्ष हो गए मुझे आपकी सेवा करते हुए, मुझे आज तक समाधि की अनुभूति नहीं हुई. I've never experienced samadhi. And Buddha said, because you are still tied to me. क्योंकि तुम अभी भी मुझसे बंधे हुए हो. अगर एक पथ को बताता है गुरु तो पथ पर चलना उतना ही नेसेसरी है, उतना ही आवश्यक है जितना कि गुरु से प्रेम या ईश्वर पर भरोसा. इफ यू लाइक अ फिजिशियन, इफ somebody tells you this is the path you have to walk on, your own efforts are just as critical as listening to the guru or believing in God. If you go to a physician and he gives you medicine, agar aap loge hi nahi, how will you get cured? Doesn't matter how good that person is. Agar aapko ek vaid, ek doctor dawa deta hai, aap loge hi nahi, to theek kaise hoge? Kitna hi wo shreshth kyun na ho? To Buddha ne bola, tum ne path par chalne ka prayas nahi kiya, anand, tum mujhse itna bandhe hue ho. Tumhe mere ilawa kuch aur dikhta hi nahi. क्योंकि उसको सिर्फ बुद्ध से मतलब था. बुद्ध आराम से जी रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से पी रहे हैं, आराम से सो रहे हैं. उसको उसने जीवन पर्यंत कोई ध्यान की ओर गया ही नहीं, गए ही नहीं. आनंद जो थे बुद्ध तक ही सीमित रह गए. तो बुद्ध ने बोला, क्योंकि तुम अभी मुझसे बंधे हो इसलिए तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई. जाओ अपने आप को मुक्त करो मेरे बंधन से भी, फिर तुम्हें वही अनुभव होगा जो बुद्ध को हुआ था. तो उसने बोला, बुद्ध ये कैसी बात है, व्हाट काइंड ऑफ रिकमेंडेशन इज दिस दैट अनटाई योरसेल्फ फ्रॉम मी. इफ समबडी इज नॉट गोइंग टू गेन एनलाइटनमेंट बाय टाइंग देमसेल्व्स टू यू, देन हाउ विल दे. अगर आपके साथ बंध के प्राप्ति नहीं होगी तो फिर कैसे होगी. बुद्ध ने बोला, आई हैव टोल्ड यू द ट्रूथ, मैंने तुम्हें सत्य बता दिया है, अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम कर लो. कुछ समय के बाद उसके बुद्ध जो है अपने शरीर का त्याग कर देते हैं. While later Buddha drops his body. When he drops his body, Ananda experiences this extraordinary pain of separation. जब बुद्ध अपने शरीर का त्याग कर देते हैं तो आनंद को घोर कष्ट होता है, अपार कष्ट. उस कष्ट में कुछ समय के लिए सारे बंधन टूट जाते हैं. In that suffering, in that moment of separation, for a little while he experiences complete freedom. He feels initially angry at Buddha. शुरू में उसको बुद्ध पर भी उनको क्रोध आता है कि मुझे छोड़कर चले गए, पर अब तो चले गए. उस अपार कष्ट में, in that extreme pain of separation, he experiences boundless freedom. He realizes, I am the only one who's there, I am me and me is everything. वो अनुभूति में आनंद की समाधि लग जाती है. He experiences deep samadhi. When he comes out of his samadhi, समाधि से बाहर आते हैं तो आनंद बोलते हैं, yes, he was right. बुद्ध सत्य ही कह रहे थे. बुद्ध was right. I was tied to him. मैं बुद्ध के साथ बंधा हुआ था इसलिए जीवन पर्यंत समाधि की अनुभूति नहीं कर पाया. बिकॉज आई वॉज टाइड टू हिम आई कुड नॉट एक्सपीरियंस दैट ट्रांसेंडेंटल स्टेट विच आई एम एक्सपीरियंसिंग नाउ, जो कि मैं अब अनुभव कर पा रहा हूं. बट यू नो व्हाट तथागत इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, आनंद स्वयं से बात कर रहे हैं. परंतु जानते हो तथागत, आनंद को ऐसी समाधि नहीं चाहिए. Anand cares not about such a samadhi. Anand only cares about his tathagat. Anand ka sakshatkar Buddha hi hai bas. Anand's redemption, his salvation is not samadhi. It's Buddha. And Shasta, I'm not going to live without you. Main aapke bina nahi rahunga. All those years, even though he was never into deep meditation, 50 वर्ष तक आनंद ने कभी गहरा ध्यान नहीं लगाया,
परंतु गुरु भक्ति इतनी दृढ़ थी दैट जस्ट ऑन दैट बेसिस, केवल उसी आधार पर आनंद ऑल्सो ड्रॉप्ड हिज बॉडी दैट मोमेंट. आनंद ने 24 घंटे नहीं बीतने दिए. ही डिड नॉट लेट 24 आवर्स पास. आनंद ऑल्सो ड्रॉप्ड हिज बॉडी. आनंद ने भी अपने शरीर को त्याग कर दिया, क्योंकि बिना बुद्ध के आनंद आनंद नहीं है. विदाउट बुद्ध देर इज नो आनंद लॉर्ड. आई डोंट केयर फॉर नो समाधि ना मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वंचपी ना च मे ना च विज्ञान अपेक्षा शशि मुखी सुखेच्छापी ना पुना अतस्त्वां मयि संयाचे जननी जननम यातु माम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानिति जपत. आई केयर नॉट फॉर सल्वेशन मा. आई डोंट वॉन्ट मोक्ष. मुझे मोक्ष नहीं चाहिए. ना मोक्षस्य आकांक्षा. मुझे मोक्ष की कोई आकांक्षा नहीं है. भव विभव वंचपी ना च मे. I don't want the sukhas, the beauties of this world either. मुझे संसारिक सुख भी नहीं चाहिए. ना विज्ञान अपेक्षा शशि मुखी. Oh beautiful mother divine, I don't even want to know any meditation, any special sciences either. मुझे ना कोई ध्यान ज्ञान विज्ञान मुझे कुछ नहीं जानना है. सुखे छापी ना पुना. ना मुझे कोई सुख की इच्छा है. I do not care for any comfort anymore either. अतस्त्वां मयि संयाचे जननी जननम यातु माम. The only thing I ask for is in every lifetime when I come, let you be my mother. के प्रत्येक जीवन में जब जब मैं आऊं तुम ही मेरी माँ हो. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मुझे और कुछ से मतलब ही क्या. मैं ये नहीं चाहता कि मैं जब जब आऊं जीवन के पहले 30, 40, 50 साल मेरे बीत जाएं फिर मुझे जाकर होश आए. I don't want 30, 40, 50 years of my life to go by in every lifetime and then realize I should have been seeking your refuge. Please, in every lifetime, from the moment I am born in human body, let me not forget. मुझे इस बात को भूलने मत देना. इस बात का स्मरण रखना कि मुझे आप ही की शरण में जाना है. मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवान इति जपत. And the only thing I ask for, Mother Divine, is that I should just chant your holy names and leave this body. कि जब यह शरीर त्यागने का समय हो बस मृडानी रुद्राणी शिव शिवानिति बस तुम्हारा ही नाम लेता हुआ शरीर को छोड़ दूं. वो भी ध्यान की चरम सीमा है. ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय. There comes a time, Krishna says, श्री भगवान उवाच. There comes a time, एक ऐसा समय आता है जब ना आपको ज्ञान चाहिए ना विज्ञान चाहिए. तृप्त आत्मा हो बस. तृप्त हो चुके हो, संतुष्ट हो चुके हो. यू डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग. यू डोंट वॉन्ट टू नो एनी मोर. यू आर कंटेंटेड. आपको संतोष है, संतुष्टि है, क्योंकि आप बोलते हो बस मेरे भगवान मुझे मिल गया, मुझे और क्या चाहिए. जिसकी खोज में मैं था मुझे वैसा व्यक्तित्व मिल गया है, मुझे वैसी विभूति मिल गई है. अब मैं क्यों भागूं, अब मैं क्यों दौड़ूं. आई हैव फाउंड व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर. वाई शुड आई रन अराउंड मोर. हाउ डज इट मैटर वेदर आई कैन सिट इन अ पोस्चर फॉर 7 hours और 70 hours. क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक ही आसन में 7 घंटे बैठ सकूं या 70 घंटे बैठ सकूं, 5 मिनट की समाधि की अनुभूति करूं या 50 मिनट की. वेदर एक्सपीरियंस समाधि फॉर 5 मिनट्स और 50 मिनट्स. ऑल ऑफ दैट इज इमटीरियल. क्योंकि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो. I found the gem I was looking for. I don't want to bother with all this stuff now. मैं अपने जीवन को आनंद से जीऊंगा और दूसरों का भी भला करूंगा, स्वयं का भी और दूसरों का भी. I'm going to live my life happily and a meaningful life. And that's all that matters at the end of the day. अंत में बस वही एक खाता है जो बैलेंस आउट करना होता है जिसको.